हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय फूड चैनल ईटिंग मूड। तो आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन चिली सॉस। बाजार से कई बार हम सॉस लेते हैं, पर क्यों ना इसको घर में बनाएं। तो चलिए बनाते हैं ग्रीन चिली सॉस बिल्कुल बाजार जैसा। ग्रीन चिली सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 2 चम्मच तेल और इसको हम डाल देंगे पैन में। और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे इसमें ज़ीरा। मैं यहाँ पर 2 चम्मच ज़ीरा लूँगी और ज़ीरा को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। और जो हरी मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ उसको पहले से धो के रख लीजिए और सुखा लीजिए, मतलब कपड़े से पोंछ लीजिए। और ये मैंने डाल दिया है ज़ीरा, आप देख सकते हैं। और ज़ीरे को हमें अच्छे से भूनना है क्योंकि कच्चा ज़ीरा होता है, और जब ज़ीरा अच्छे से भून जाता है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। जब ज़ीरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप देख सकते हैं हल्की सी स्मेल आने लगे, तब आप इसमें डाल देंगे गार्लिक। तो मैंने गार्लिक यानी लहसुन की 8-10 कलियाँ ली हैं। आप थोड़ी और बढ़ा भी सकते हैं, लगभग 8-10 या 12 कलियाँ हैं लहसुन की। इसको चॉप नहीं करना है हम, इसको क्योंकि ब्लेंड करने वाले हैं इसलिए इसको हम डाल देंगे और सॉटे करेंगे। साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर अदरक। अदरक मैं ले रही हूँ करीब 2 चम्मच। तो 2 चम्मच अदरक है, उसको ऐसे बारीक नहीं काटना है, ऐसे काट के सिंपली आप उसको डाल दीजिए और थोड़ा सा इसको अच्छे से सॉटे कर लीजिए। को सॉटे करना है जब तक कि जो उसकी जो महक होती है, कच्ची जो महक होती है, उस तक निकल ना जाए। तो ये हो गया है हमारे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिर्ची को अच्छे से धोकर हमने पोंछ लिया है कपड़े से, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और मैंने इसको इस तरह से चॉप कर लिया है, बारीक चॉप नहीं करना, रफली इस तरह से मैंने चॉप किया हुआ है। आप 2 तरह की हरी मिर्च ले सकते हैं। मैंने ज़्यादा गहरी जो रंग हरे रंग की होती है मिर्च, वो मैंने ली है, वो थोड़ी ज़्यादा तीखी होती है। तो ये मिर्ची ले ली है, इसे पानी पोंछ लिया है और ये देखिए इसमें हम डाल देते हैं। अब हमें ये जो लहसुन अदरक है इसको भूनने के बाद हमें यहाँ मिर्ची है, मिर्ची डाल के हम इसको मिर्ची को भी अच्छे से बढ़िया से हाई फ्लेम पर सॉटे करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको सॉटे कर रही हूँ। और कई बार घर में हम चाइनीज़ बनाते हैं, फ्राइड राइस बनाते हैं, मंचूरियन, बहुत सारी चाइनीज़ रेसिपीज़ होती है, या खाने को और चटपटा बनाना है तो हम ग्रीन चिली सॉस बहुत यूज़ करते हैं। तो क्यों ना इसको आज हम घर में बनाएं। और हमेशा हम बाज़ार से लाते हैं तो घर का जो बना है ना ग्रीन चिली सॉस बिल्कुल बाज़ार जैसा होता है। तो यहाँ पर डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच नमक। यहाँ नमक डाल दिया है। नमक डालने से क्या होगा, जो मिर्ची होगी वो गल जाएगी। पहले हम इसका पानी सोक कर रहे थे ताकि पानी जो भी इसका एक्स्ट्रा है वो उड़ जाए। और अब हम नमक डालेंगे। नमक डाल के भी हम थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा डालने के बाद। और अब इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं और बिल्कुल अच्छे से पका देते हैं। चलिए, तो ये जो मिर्ची है वो थोड़ी देर बाद सॉटे हो जाएगी। और जैसे मिर्ची सॉटे हो जाएगी तो आप देखेंगे कलर एकदम मिर्ची का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पक गई है। पकने के बाद मिर्ची का कलर एकदम चेंज हो जाता है, आप देख सकते हैं काफ़ी कलर चेंज हो गया है इसका। ठीक है, ओके। तो अब बारी है इसमें थोड़ा सा पानी डालने की। पानी डालने से क्या होगा, मैंने पानी पहले नहीं डाला। पानी डालने से क्या होगा कि जो मिर्ची जो हमने जो सॉटे की है ये अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे। तो करीब ये जो मैंने जो मिर्ची ली है आज, करीब 250 ग्राम मिर्ची ली है मैंने, और काफ़ी अच्छी मात्रा में ग्रीन चिली सॉस बन जाता है। जो छोटी वाली बॉटल आप बाज़ार में लेते हैं ग्रीन चिली सॉस, कितने आराम से बन जाएगा ग्रीन चिली सॉस। और आपको 3 से 4 महीने इसको स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर करीब 1/4 कप पानी डाल दिया। और पानी डाल के इसको हाई फ्लेम पर हम कवर करके कुक करेंगे। और इसे तब तक कुक करना है जब तक इसका जो सारा पानी है वो बिल्कुल सूख नहीं जाता है। पानी डाल के भी हमें पकाना है और बिल्कुल सुखाना है इसको। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं। रेड चिली सॉस भी इस तरह से बनाया जाता है जैसे ग्रीन चिली सॉस है। रेड चिली सॉस के लिए क्या करते हैं, हम सूखी मिर्च लेते हैं, उसको पानी में भिगा के रखते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन चिली सॉस के लिए हमने जो मिक्सचर बनाया है बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल सूख गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और डाल देंगे करीब 1 चम्मच शक्कर। शक्कर डालने से जो फ्लेवर है वो बैलेंस रहेगा, आप देख सकते हैं। बढ़िया से शक्कर डाल के हम तुरंत फ्लेम ऑफ करके इसको साइड में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब ब्लेंड करने के लिए हम जो मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पर ले रहे हैं वो ले रहे हैं विनेगर, है ना। तो हमारा ये जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है और हम इसमें विनेगर डालकर इसको ब्लेंड करेंगे, राइट। तो करीब मैं 1 कप विनेगर ले रही हूँ। और विनेगर की क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि 1 कप ही लेना है, आप बाद में कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये विनेगर ले लेते हैं, मैंने 1 कप विनेगर लिया है। और इसको ठंडा होने के बाद ही ब्लेंड करें, ठंडा हो जाएगा तो उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और बिल्कुल स्मूथ हमको उसका पेस्ट बनाना है। और एक और टिप मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, बाज़ार का जो चिली पेस्ट होता है वो और ज़्यादा स्मूथ होता है,
उस कंसिस्टेंसी का ग्रीन चिली पेस्ट कैसे बनाएंगे मैं भी जल्दी बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ग्रीन चिली सॉस बनके तैयार हो गया। कोई बोल भी नहीं सकता कि ये बाज़ार का है कि घर में बनाया है। मैंने कई बार इसको बना चुकी हूँ और बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा थिक लग रहा है ना, थिक लग रहा है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है और ज़्यादा आपको सिल्की स्मूथ करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसमें विनेगर डाल सकते हैं, वो डाल देंगे और विनेगर डाल के हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे और इसको हम सीव कर लेंगे, इसको छान लेंगे। आप देख सकते हैं मैं छन्नी ली हुई हूँ और इस बड़ी वाली छन्नी से मैं इसको छान रही हूँ। छानने से जो एक्स्ट्रा मिर्ची के अंदर दाने होते हैं आपने देखे होंगे, तो दाने भी इसमें हैं, तो मिर्ची के जो दाने होंगे एक्स्ट्रा वो इसमें से अलग हो जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ हमें ग्रीन चिली सॉस मिल जाएगा। अगर आप मेरे इस तरह की रेसिपीज़ और देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी आपको। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप इसको ज़रूर बनाइए। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हमें घर में बनानी चाहिए। देख सकते हैं आप, इसको मैं अच्छे से सीव कर रही हूँ, आप चम्मच से अच्छे से कर लीजिए। और बिल्कुल छन नहीं रही है तो भी थोड़ा सा विनेगर डाल के इसको छान सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, ये बीज वाला पार्ट है, ये अलग हो गया है और ज़्यादा स्मूथ हमारी ग्रीन चिली सॉस तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही बढ़िया का ये बढ़िया सॉस बना है। और आप इसको बॉटल में अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं 3-4 महीने। और जिस कांच की बॉटल में आप इसको स्टोर करके रख रहे हैं उसको स्टेरिलाइज ज़रूर कर लीजिए, उसको पानी उबले पानी में उस कांच की बॉटल को डाल के रखिए, फिर उसको सुखा लीजिए, तब जाके आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, राइट। तो ये बन गया है हमारा ग्रीन चिली सॉस बिल्कुल बाज़ार जैसा। सो गाइज तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ईटिंग मूड चैनल। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कि वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।